हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की विषय गणित अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल इसकी प्रश्नावली 11.2 के सवाल नंबर हल करना सीखेंगे। बच्चों, इस प्रश्नावली की सवाल की शुरुआत करने से पूर्व मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो और आप अपनी पढ़ाई निर्बाध रूप से सुचारू रूप से जारी रख सके। देखिए बच्चों, अब हम प्रश्न 11.2 का सवाल नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें ये 5 समांतर चतुर्भुज की आकृतियां दी गई है और प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र लिखा था कि आधार गुणा ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का आधार को उसके संगत ऊंचाई से गुणा करने पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। देखो ये आधार है और यहाँ पे ये ऊंचाई कहलाती है, ये चौकोर देखो होता है समकोण का, यानी ये हमारा क्या समकोण, तो ये ऊंचाई है। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे आधार दिया हुआ है, ये आधार 7 सेमी तथा ऊंचाई बराबर कितनी हमारे पास यहां से लेके ये ऊंचाई का, ये आधार कहलाता है और ये ऊंचाई कहलाती है। आधार 7 सेमी है और ऊंचाई कितनी हमारे पास 4 सेमी, ये लिखना पड़ेगा। अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे हम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई होता है, राइट। अब देखो आधार कितना 7 सेमी और ऊंचाई कितनी है 4 सेमी, इनको गुणा कर देंगे बच्चों। 7 को 4 से गुणा करने पर आता 28 और सेमी को सेमी, डबल हो गया, दो बार हो गया सेमी सेमी, तो सेमी के ऊपर ये 2 घात रखा था ना, इसको बोलते हैं सेमी स्क्वायर, सेमी के ऊपर 2 घात है सेमी स्क्वायर। तो इसका हमारे इस पहले में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र गया 28 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार हमने ये पहला सवाल हल कर लिया। अब देखिए बच्चों, इसके बाद में इसका सवाल नंबर दूसरा बी, तो यह लिखेंगे देखो समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर कितना यहां पे 5 सेमी और ऊंचाई, ऊंचाई बराबर यहां से लेके ऊंचाई कितनी अपनी यहां पे 3 सेमी। अब सूत्र लगा दो आप, बस बड़ा ही सरल तरीका है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाँ तो देखिए बच्चों, पुनः देखिए, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे हम, आधार गुणा ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज के आधार को उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो आधार कितना हमारे पास 5 सेमी, गुणा कर देंगे किससे 3 सेमी से, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, सेमी को सेमी से गुणा किया सेमी स्क्वायर या सेमी की घात 2, ये आ गया। अब देखो बच्चों, सी नंबर का सवाल क्या हमारे पास में, इसी प्रकार देखो हमारे पास में ये आधार कितना है 2.5 सेमी और ऊंचाई कितनी है 3.5
पांच सेमी, तो वहां पे लिखेंगे देखो समांतर चतुर्भुज का आधार इतना है 2.5 सेमी। और साथ में हाथ क्या लिखे, ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास है 3.5 सेमी, राइट। अब हम लिख देंगे इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, सूत्र होता वही बार बार, आधार गुणा ऊंचाई। तो कैसे क्या करेंगे हम, आधार हमारे पास है 2.5 सेमी और ऊंचाई हमारे पास है 3.5 सेमी, दोनों को गुणा कर लेंगे आप। तो गुणा करना देखो, 3.5 को 2.5 से गुणा कर रहा हूं, 5 का 5 से करेंगे, 5 25 की 5 हासिल के 2, 5 की 15 में 2 17, 2 5 10 की 0 हासिल की 1, 2 3 6 में 1 2 देंगे 7, 5 का 5 7 का 7 7 रे 8, 1 रे 2 संख्या, देखो यहां छोड़ के 1 यहां छोड़ के 2, उत्तर में 1 रे 2 संख्या छोड़ के 10 लगाना 8.75 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा, राइट। इसके बाद देखो इसका तीसरा करेंगे हम, वो लिखेंगे देखो समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है, ये आधार है, इस बार ये आधार है और ये ऊंचाई, एक देखो ये एक दो तीन चारों आधार है, किसी भी आधार पर ऊंचाई आ सकती है, इस आधार पे ये ऊंचाई, तो ये समांतर चतुर्भुज है, इस आधार पे ये ऊंचाई होती है, इस आधार पे देखो हमारे पास में ये ऊंचाई होती है और इस आधार पे ये ऊंचाई होती है, राइट, और इस आधार पे ये ऊंचाई होती है, इस प्रकार। तो समांतर चतुर्भुज का आधार कितना, 5 सेमी, और ऊंचाई बराबर कितनी है, 4.8 सेमी, इसलिए समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बच्चों वही सूत्र लगाना जो भी आपको सिखाया, अच्छी तरह याद कर लेना, आधार गुणा ऊंचाई, आधार का मान कितना 5 सेमी और ऊंचाई का मान कितना 4.8 सेमी, गुणा कर देंगे 5×40 की 0 आशिक 4, 5×20 में 4 जोड़ देंगे 24, 1 संख्या छोड़ के 24.0 सेमी स्क्वायर, यानी 24.0 का मतलब है 24 सेमी स्क्वायर, राइट। इससे बढ़ते हुए इसका पांचवा सवाल सीखेंगे हम, ध्यान देना आप ई नंबर वाला, यहां पे देखो बच्चों देखेंगे हल, समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है, ये 2 सेमी और ऊंचाई 4.4 सेमी, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना हमारे पास 2 सेमी और ऊंचाई कितनी है 4.4 सेमी, अब 2 का गुणा करें 2×8, फिर 2×8 एक संख्या छोड़ के 0.5, ये सेमी स्क्वायर, राइट। अब आप इसका इसलिए छोड़ लो, आज हमने सीख लिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इनटू ऊंचाई, इस सूत्र से ज्ञात करना। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 2 में क्या है,
प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। हमारे पास चार त्रिभुज है, चारों का क्षेत्र ज्ञात करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। देखो सबसे पहले हमारे सवाल में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये त्रिभुज का आधार कहलाता है। ये जो चौकोर डूबा होता है समकोण का होता है, यानी संपूर्ण जिन दो भुजाओं से मिलकर बनता है उनमें से एक आधार कहलाती है और खड़ी भुजा ऊंचाई कहलाती है। देखो ये ऐसा है हमारा, ऐसा तो ये आधार है, ये भुजा हमारी आधार है जहां से भी, और ये खड़ी भुजा क्या हमारी ऊंचाई, ये ऊंचाई कहलाती है, राइट। देखो हम लिखेंगे यहां पे त्रिभुज का आधार कितना बराबर चार सेमी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितनी यहां से लेके तीन सेमी। इसलिए अब हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको सूत्र याद होना चाहिए बच्चों, क्या हमने आपको सिखाया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र क्या लिखा है मैंने, आधार गुणा ऊंचाई, ये लिखा है। बस आपको शुरू में ये लिख देना एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये इतना सारा क्या होता है, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। शुरू में एक बटा दो लिख देंगे ये त्रिभुज का बन जाता है। अब देखिए बच्चों आप ध्यान देना इसमें, अब देखिए इसमें हमारे पास क्या लिखेंगे, एक बटा दो त्रिभुज का आधार कितना है चार से भी और ऊंचाई कितनी है तीन सेमी। अब आप देखिए इसको काट दीजिए, दो का वर्ग दो बार गया तो दो को तीन से गुणा कर देंगे, दो को तीन से गुणा किया छह और सेमी को सेमी से गुणा किया सेमी स्क्वायर, तो ये आ गया छह सेमी स्क्वायर, राइट। इससे लगा ये कर देंगे हम, देखो ध्यान देना हमारे पास त्रिभुज के आधार और ऊंचाई दे रखी है, ध्यान देना। अब देखो हमारे सवाल में बी में क्या लिखा है, त्रिभुज के आधार और ऊंचाई, त्रिभुज का आधार कितना है पांच सेमी, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है बच्चों 3.2 सेमी। अभी सूत्र लगाएंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार के जगह आधार का मान रख देना पांच सेमी और ऊंचाई के जगह ऊंचाई का मान कितना है 3.2 सेमी। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो पहले इसको काट दो क्योंकि ये तो कटेगी नहीं, इसको काट दीजिए फिर गुणा कर दीजिए, या पहले गुणा कर दो बाद में आप काट दीजिए। तो मैं पहले गुणा कर रहा हूं, देखो 5 को 32 से 5 × 10 = 0 = 1, 5 × 15 में जोड़ देंगे 116, 16.0 सेमी स्क्वायर बटा कितना है 2। अब आप ध्यान दीजिए 16.0 का 16 होता है, इस शून्य का कोई बदल नहीं होता, 16 में 2 का भाग देंगे, 16 में 2 का भाग देंगे 8 बच जाएगा, तो 8 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ गया, राइट। इसी वजह देखो ये संपूर्ण है, ये डिब्बा ये चौकोर डिब्बा किसका क्षेत्र होता है 90 डिग्री का, तो ये संपूर्ण इन दो भुजाओं से मिलकर बना है और संपूर्ण जिन दो भुजाओं से मिलकर बनता है उनमें से ये आड़ी भुजा आधार कहलाती है और खड़ी भुजा क्या कहलाती है ऊंचाई या लंब, लंब को ऊंचाई कहते हैं। तो लिखेंगे देखो यहां पे हमारे ध्यान देना, त्रिभुज का आधार बराबर 3 सेमी, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 4 सेमी, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आधार गुणा ऊंचाई, आधार का मान कितना है 3 सेमी और ऊंचाई का मान कितना है 4 सेमी। तो देखो आप चाहते पहले गुणा कर दो, 4 को 3 से गुणा किया 12, तो ये 12 सेमी स्क्वायर हो गया बटा कितना 2, अब 12 में 2 का भाग दे दीजिए आप, 12 में 2 का भाग देंगे 6 सेमी स्क्वायर, तो त्रिभुज का क्षेत्र आ गया हमारे पास में 6 सेमी स्क्वायर। आप पहले इसको काट ही सकते हो, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 2 बार, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा,
या पहले गुणा कर लो बाद में भाग दे दो, दो तरीके हैं। तो कटने वाली संख्या को पहले काट दो और फिर उनको गुणा कर दो, या पहले गुणा कर दो बाद में काट दीजिए, एक ही बात है। अब देखो बच्चों ये सवाल, सवाल नंबर डी, इस सवाल नंबर डी में भी हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास भी यहां इसका आधार 3 सेमी है और इसकी ऊंचाई 2 सेमी है। देखो ये हमारे पास क्या आधार, ये त्रिभुज का आधार है और ये त्रिभुज की ऊंचाई, क्योंकि ये संपूर्ण मतलब नहीं है, इस भुजा का कोई मतलब नहीं है, इस भुजा का कोई मतलब नहीं है बच्चों। हमें देखना संपूर्ण दिन दो भुजाओं से बनता है, एक भुजा एक 2 सेमी, ये भुजा 3 सेमी, तो 3 सेमी 2 सेमी से क्या मतलब है संपूर्ण, तो ये ऊंचाई है और ये आधार है। तो ये सवाल आप स्वयं करना, ये सवाल में आपको होमवर्क दिया है, ये आप स्वयं हल करना। इस प्रकार हमने आज 11 दिनों 2 प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 और 2 हल करना सीख लिए। इसके बाद आगे के सवाल हम कल के वीडियो में सीखेंगे बच्चों, और मैं आशा कर सकता हूं आपको बड़े अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आए होंगे। धन्यवाद।